बिग बॉस सीजन 16 में सलमान खान ने लगातार प्रियंका चहर चौधरी को निशाना बनाया था, क्योंकि प्रियंका साजिद के खिलाफ खेलती थी। प्रियंका साजिद सर कहकर साजिद के आगे पीछे नहीं घूमती थी। तो वहीं अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में सलमान के निशाने पर मनीषा रानी हैं, क्योंकि मनीषा भी पूजा भट्ट की गलतियों को खुलकर सामने लाती हैं। इसीलिए मनीषा सलमान खान को बिल्कुल नहीं भाती हैं। वेल, आखिर क्या रिश्ता है सलमान और पूजा भट्ट का? आखिर क्यों पूजा भट्ट के कारण मनीषा रानी से इतनी नफरत करते हैं सलमान? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पूजा भट्ट सलमान खान की भाभी बनते बनते रह गई थी। असल में ये किस्सा शुरू हुआ सलमान खान के भाई सोहेल खान की फिल्म राम से। सोहेल खान राम नाम की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म में सलमान खान और पूजा भट्ट एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म की डायरेक्शन के दौरान सोहेल खान को पूजा भट्ट से प्यार हो गया। दोनों का अफेयर चला, ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन सोहेल का पूजा भट्ट से अफेयर तो छोड़िए, सलमान के पिता सलीम खान ये तक नहीं चाहते थे कि सलमान पूजा भट्ट के साथ काम करें। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त पूजा भट्ट को ड्रग्स लेने की आदत थी और पूजा भट्ट बेहद कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस थी। इसी के चलते सलीम खान नहीं चाहते थे कि सलमान पूजा भट्ट के साथ फिल्म करे। सलमान खान ने जैसे तैसे अपने पापा को फिल्म के लिए मना तो लिया, लेकिन जब सलीम खान को ये पता चला कि सोहेल खान पूजा भट्ट से प्यार करते हैं, तो पिक्चर सब ठंडे बक्से में चली गई। सलीम खान ने फिल्म को बंद करवा दिया और सोहेल खान को दो टुक कह दिया कि पूजा इस घर की बहू नहीं बन सकती। जी हाँ, पूजा भट्ट के विवादों के कारण, उनके नशे की लत के कारण सलीम खान को पूजा भट्ट पसंद नहीं थी। बता दें कि फिल्म राम के बंद हो जाने के बाद खान्स और भट्ट के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। हालांकि कुछ समय पहले सलीम खान और सलमान खान पूजा भट्ट की बहन आलिया भट्ट की शादी में नजर आए। इसकी तस्वीरें पूजा भट्ट ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर भी शेयर की थी। इन तस्वीरों के साथ ये खुलासा हुआ कि सालों बाद भट्ट और कपूर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वो पूजा जो कभी सलमान की भाभी बनने वाली थी, उनके खिलाफ एक भी बात कहां बर्दाश्त करेंगे सलमान? मनीषा, आप भी दिन रात पूजा कीजिए, फिर देखिए सलमान आपको डांट का डर भी नहीं लगाएंगे। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।